बेटा अब हमने करना है पैराथायरॉइड ग्लैंड, राइट। सो ध्यान से पहले सुनना है फिर लिखना है। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे पड़ी है? इट इज प्रेजेंट, पहली बात तो दीज आर फोर इन नंबर एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन द बैक। देखो सबसे पहले आगे क्या है हमारे, दैट इज वॉइस बॉक्स। ट्रेकिया का ऊपर वाला पार्ट है लेरेंस, यहाँ पे लेरेंस है या ट्रेकिया है। लेरेंस इज द यू नो वॉइस बॉक्स इज द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। आगे वाली साइड जो है दैट इज ट्रेकिया, उसके पीछे थायरॉइड ग्लैंड और उसके पीछे पैराथायरॉइड। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, सो प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, ईच लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड इज यू नो नियर टू पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अगर ये थायराइड ग्लैंड है, ये इस्थमस है, इसकी बैक साइड पे ये इसके पार्ट्स नहीं है बट अटैच है इसके साथ और पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं? दे सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन एक ही बात है, जो प्रोटीन से बना हुआ है दैट इज पैराथार्मोन, जिसको और हम क्या बोलते हैं शॉर्टली Also called as PTH, parathormone or PTH. PTH कब सिक्रीट होता है? पहली बात तो ध्यान से सुनिए, PTH along with thyrocalcitonin. PTH along with TCT maintains calcium homeostasis. What is calcium homeostasis? That is कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैसे? ध्यान से, एक और बात इंपॉर्टेंट बात है, पीटीएच एंड टीसीटी आर एंटागोनिस्टिक। हां जी सर, व्हाट डू यू मीन बाय एंटागोनिस्टिक? ऑपोजिट इन एक्शन की सेम इन एक्शन। एंटा, एंटा मतलब मैं आपसे एंटी हूं, एंटी का क्या मतलब होगा? सिमिलर व्यू है कि ऑपोजिट व्यू है? ऑपोजिट, बिल्कुल ठीक है संदीप।
ठीक है, जोरावर ने भी की. सो एंटी या वहीं से ही एंटागोनिस्ट है, दैट इज ऑपोजिट इन फंक्शन. ठीक है, कैसे? अब मैं इधर बात कर रही हूं, कैसे ऑपोजिट है फंक्शन कि जैसे पीटीएच इज सिक्रीटेड कब, व्हेन ब्लड कैल्शियम इज लेस देन नॉर्मल कैल्शियम. दिस इज साइन इज लेस देन नॉर्मल कैल्शियम. ठीक है, जितना नॉर्मल कैल्शियम होना चाहिए उससे कम है ब्लड में, तो इसलिए देयरफॉर पीटीएच इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम बाय, कैसे? आपको पता है पीसीटी कब सिक्रीट होता है? जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है. पीटीएच कब सिक्रीट होता है? जब ब्लड में कैल्शियम कम. ठीक है, उससे ऑपोजिट हो गया. तो ये कैसे नॉर्मलाइज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम? फर्स्ट है विड्रॉस कैल्शियम फ्रॉम बोन्स. बोन्स में डिपॉजिट जो कैल्शियम है उसको कहते हैं मेरा कैल्शियम दे वापस. दूसरा है एक्सोनेफ्रॉन टू इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इट फ्रॉम अल्ट्रा फिल्ट्रेट. यूएफ पूरा आपने लिखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट. और तीसरा है अच्छा यहां पे ही लिखे, एंड दस डिक्रीजेस लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन. उसके बाद और कहां पे एक्ट कर रहा है? दैट इज इट इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी और यू कैन से डाइजेस्टिव. ठीक है, एज ध्यान से मेरी बात सुनो कि एज पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, नॉर्मल से ज्यादा नहीं बट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तो हम पैराथॉर्मोन को क्या कहेंगे? हाइपोकैल्सीमिक कि हाइपरकैल्सीमिक? बोलो जरा. बट वी विल से हम हाइपर हाइपरकैल्सीमिक. बिल्कुल ठीक है. एज PTH increases calcium concentration in blood, therefore it is hypercalcemic hormone. ठीक है, हाइपर कैल्सीमिक जो कैल्शियम को इंक्रीज. ओके ठीक, जल्दी से लिखो फिर लिखो. अब अगर पीटीएच नेक्स्ट आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉइड.
क्या होता है हाइपोसिक्रीशन, मतलब कम सिक्रीट हो रहा है पैराकॉर्मोन, या ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, तो फास्ट आ जाइए। हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएफ, कम सिक्रीट हो रहा है, इट कॉजेस पैराथायरॉइड टैटी, इट कॉजेस, साथ साथ लिख लो, इट कॉजेस पैराथायरॉइड टैटी इन विच मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकम्स अनरेगुलेटेड। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स कैन नॉट रिलैक्स एंड दस मस्कुलर स्पैज, अकड़ जाते हैं मसल्स, दर्द करते हैं, मस्कुलर स्पैज। मैम प्लीज रिपीट फर्स्ट लाइन। अनरेगुलेटेड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड है, द कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स कैन नॉट रिलैक्स दिस कॉजेस मस्कुलर स्पैज, SPASM, दिस कॉजेस मस्कुलर स्पैज। और फिर सेकेंड आ जाता है बेटा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, इट कॉजेस द डिजीज ऑस्टाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका, इट कॉजेस द डिजीज ऑस्टाइटिस फिब्रोसा सिस्टिका इन विच देयर इज मोर विड्रॉल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, इन विच देयर इज मोर विड्रॉल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, ड्यू टू विच बोन्स बिकम वीक, बोन्स बिकम वीक। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पैराथायरॉइड। नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस कहां पे प्रेजेंट है ये देखिए, कि यहां पे क्या है, दिस इज यू नो स्टर्नम। ठीक है, ये स्टर्नम है, इसके पीछे ये थाइमस है और इसके पीछे एओटा है हार्ट का, डू यू गेट मी। सबसे आगे चेस्ट बोन है, ये तो आपको पता ही है, दिस इज स्टर्नम, चेस्ट बोन है। इसके पीछे जो है छोटी सी थाइमस ग्लैंड है और उसके पीछे हार्ट का एओटा है। एओटा आपको पता है, इट कम्स आउट फ्रॉम द you know left ventricle of the heart, ठीक है, or you can say it is a lobular structure which is present in between sternum and aorta, ठीक है, ventral side हमारी ये है, dorsal हमारी पीछे है, हम कहते हैं aorta के ventral side, मतलब सबसे पीछे aorta है, उसके ventral side पे, उसके आगे वाली side पे जो है वो thymus gland है और उसके आगे उस front में क्या है, that is sternum। So thymus, पहली बात तो this is androgermal in origin,
ये मैंने शुरू में भी आपको बताया है. अनदर इज लोब्यूलर स्ट्रक्चर. लोब स्ट्रक्चर है, लोब्यूलर स्ट्रक्चर. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेट इज मैक्सिमम एट बर्थ एंड देन डिक्रीजेस विद एज. After about 60 years, it gets much decreased. ठीक है, and almost you say non-significant. या नॉन तो नहीं हम कहते हैं, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट. ऑलमोस्ट बिकम इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये इनसिग्निफिकेंट, उसके बाद इसका फंक्शन खत्म हो जाता है. ठीक है, क्या फंक्शन है अभी बताते हैं. लोकेशन, इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन टू लंग्स. पहली बार प्रेजेंट बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड स्टर्नम. Sternum is chest bone and on the ventral side of aorta. और simply ये थोड़ा सा complex हो गया, but हम simply कह सकते हैं in between या middle of sternum and aorta. यहां पे इसकी लोकेशन. फंक्शन क्या है ध्यान से सुनो फिर लिखना. सिक्रीट कौन से हॉर्मोन, पेप्टाइड हॉर्मोन्स. एक नहीं है, एक से ज्यादा हॉर्मोन्स है, पेप्टाइड हॉर्मोन्स. क्या बोल देते हैं हम पेप्टाइड हॉर्मोन्स को, उन सब को मिल मिला के बोल देते हैं थाइमोसिन्स. फंक्शन क्या है थाइमोसिन्स, पहला फंक्शन जो मेन फंक्शन है बेटा, हमने थोड़ा सा सर्कुलेटरी में किया था, कॉजेस मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. और टी लिम्फोसाइट्स जो है दे प्रोवाइड, ये हम थोड़ा सा प्लस टू में बताएंगे, बट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं बेटा, जहां पे इंफेक्शन है दे देमसेल्व्स गोज टू द साइट ऑफ इंफेक्शन, दैट्स व्हाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है, दूसरा फंक्शन है प्रोमोट मोर प्रोडक्शन of
प्रमोट मोर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. और ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड दे प्रोवाइड ह्यूमरल humoral immunity. What is humoral immunity? That is, you know, which is mediated by fluids. Humors means body fluids. ठीक है, पहले ये लिखो, फिर मैं आपको immunity के बारे में भी बता. हम बात कर रहे थे बेटा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी. एक बॉक्स में लिख लो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन विच टी लिम्फोसाइट्स देमसेल्व्स move to site of infection. दूसरा आ जाता है बेटा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी. बराबर पूरा लिखना है बेटा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी in which B lymphocytes produce antibodies they move antibodies जो है मैं यहाँ पे A B लिख रही हूँ antibodies they move to site of infection through body fluids bracket में लिख लेना blood and lymph इसके through antibodies move करती है ना कि B lymphocytes खुद जाती है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं antibody mediated immune system या humoral immunity. Thymus humoral immunity में भी help करती है by promoting, you know, production of antibodies. Is it okay? Next point लिख लीजिए. In old people, अच्छा तो फिर thymus का क्या function हो गया? Next point लिखना, as thymus helps in regulating our defense system. Therefore, in old individuals, when thymus is degenerated, there is decreased production of thymocytes. There is decreased production of thymocytes due to which the old people have low immunity. Is it okay, Sambhi? Yes, ma'am. Zoravar? Chaliye ji. Next, hum aa jaate hain beta adrenal glands.
एडरीनल, एडरीनल मींस, रीनल मींस किडनी, एड मतलब ऊपर, कि जो किडनी के ऊपर ग्लैंड्स है। एड प्लस रीनल, सो दिस इज किडनी, और इसके ऊपर कैप शेप्ड स्ट्रक्चर है, हैट लाइक स्ट्रक्चर। ये किडनी है एंड दिस इज, यहां से आप सो देख सकते हो कि ये यूरेटर्स निकल रहे हैं, सो दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। दो किडनी है तो दो एड्रीनल ग्लैंड, सो पेयर्ड ग्लैंड्स। प्रेजेंट at top of kidneys, these are cap shaped, ठीक है जी। अगर हम इस तरह से ग्लैंड है, इट हैज टू रीजन्स, द आउटर रीजन दिस इज कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, and this is adrenal medulla। अगर हम इसमें भी देखें तो कौन सा है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इट फर्दर हैज थ्री जोन्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स के तीन फर्दर जोन्स है, कौन कौन से जोन्स है, आउटर आ जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल जोना वेसिकुलेटा, इनर मोस्ट जोना रेटिक्यूलेटर। सो ग्लोमेरुलोसा, देन देयर इज प्रेजेंट फेसिक्यूलेटर एंड देयर इज प्रेजेंट यू नो इनर मोस्ट इज रेटिक्यूलेटर, राइट, रेटिक्यूलेटर, फेसिक्यूलेटर एंड ग्लोमेरुलोसा, ठीक।
ग्लोमेरुलोसा, चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ। पहली बात तो जो एड्रीनल ग्लैंड्स है दे हैव ड्यूअल ओरिजिन। कैसे ड्यूअल ओरिजिन है बच्चे? जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इट इज मीजोडर्मा, क्योंकि बेटा किडनीज मीजोडर्मल है। जैसे ही किडनीज बनती है साथ साथ एड्रीनल कॉर्टेक्स भी बनती है, जबकि जो एड्रीनल मेडुला है इट इज एक्टोडर्मल एज इट इज एक्सटेंशन ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, क्योंकि नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल है और ये नर्वस टिश्यू के एक्सटेंशन है, इसलिए इट इज एक्टोडर्मल। सो जो एड्रीनल ग्लैंड्स है दे आर यू नो ड्यूअल ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हॉर्मोन्स। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है इसमें क्या है? जोना ग्लोमेरुलोसा, आपने पूरा लिखना, सिक्रीट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जोना फेसिक्यूलेटा सिक्रीट मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, जोना रेटिकुलेटा सिक्रीट सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। उसके बाद एड्रीनल मेडुला इट सिक्रीट्स एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। एड्रीनालिन को और क्या बोल देते हैं? एपिनेफ्राइन। नॉर एड्रीनालिन को क्या बोलते हैं? नॉर एपिनेफ्राइन। ठीक है, दिस इज एपिनेफ्राइन, दिस इज नॉर एपिनेफ्राइन, राइट? पहले ये लिखो फिर मैं आपको और आगे। चलिए जी, अब नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड सेक्स कॉर्टिकॉइड, तो हम क्या कहेंगे? राइट डाउन, एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स विथ एंड ऑल ऑफ दीज आर स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। स्टीरॉयड हॉर्मोन्स दैट इज, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स का क्या मतलब है? डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। देखो इसको, इसलिए कॉर्टिकॉइड कहां से आया? ब्रैकेट में लिखना ही, कौन से क्रिएट करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, और कॉम्पोजिशन क्या है? स्टीरॉयड। सो मतलब कॉर्टी कहां से आ गया? कॉर्टेक्स से, और कॉइड आ गया। ठीक है, सो दीज आर कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स, यहाँ पे लिख लो दीज आर कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स बिकॉज दे आर सिक्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम एंड आर स्टीरॉयड हॉर्मोन्स in composition and are steroid hormones in composition।
इसलिए हमको इनको कहते हैं कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन। नेक्स्ट आ जाइए, एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स आर कॉल्ड एज कैचिकोलेमीन्स। Are called as catecholamines, as these are derived from catechol moiety, और catechol क्या है ब्रैकेट में लिख लो, 1,2 डायहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,2 डायहाइड्रोक्सीबेंजीन। मैम कैटेकोल के आगे क्या है? कैटेकोल एमीन्स, AMINES, एज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कैटेकोल मोएटी, MOIETY, कैटेकोल ब्रैकेट में लिख लो, 1,2 डायहाइड्रोक्सी बेंजीन, कैटेकोल है ये। फुल स्टॉप करके, these are amino acid hormones as they are formed from amino acid tyrosine. Which has catechol structure. टायरोसिन का जो स्ट्रक्चर है केमिकली वो कैटेकोल से बनता है, विच इज कैटेकोल डेरिवेटिव। इज इट ओके? ठीक है जी, तो हमने क्यों कहा कि दे सिक्रीट कॉर्टिकोइड हॉर्मोन्स एंड दे सिक्रीट कैटेकोलामीन्स, ये मैंने आपको इनका मतलब बता दिया है क्या। इज इट ओके? यस मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, फंक्शंस ऑफ एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स। These are secreted rapidly under stress conditions. किसी भी तरह का स्ट्रेस है, ठीक है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस है, हमने कहीं पहुंचना है, हम लेट हो गए, तब स्ट्रेस है, राइट? इन स्ट्रेस कंडीशंस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। अब जैसे ना बेटा संडे को जो है वो टेस्ट है नीट का, इस टाइम मैं अगर जो क्रैश वाले बच्चे हैं वो मेरे पास आते हैं या जो पिछले साल मेरे पास प्लस टू करके गए हैं वो ज्वाइन करते हैं मेरे पास आते, है ना, 4:30 पे ज्वाइन करते, मैं उनसे पूछती कोई डाउट, नहीं मैम बस ये बता दो क्या करें, नहीं ये बता दो क्या करें, तो इस टाइम जो है ना उनकी बॉडी में एड्रीनलिन रश है, इमरजेंसी कंडीशन है, स्ट्रेस है, तो एड्रीनलिन सिक्रीट हो रहा है, जो उनको एड्रीनलिन स्ट्रेस नहीं कर रहा है, पहली बात एड्रीनलिन उनको उस स्ट्रेस से कोप अप करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन फुल स्टॉप। Therefore, these are called as
These two hormones are called as emergency hormones. Emergency hormones or hormones of fight and flight. Hormones of fight or flight. जब किसी को एंजाइटी हो जाए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए, तो क्या सिक्रीट होता है? यही सिक्रीट होता है, एड्रिनेलिन, नॉरएड्रिनेलिन. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. दीज हॉर्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस. देखो ये ना, स्ट्रेस में भी ये क्या कर रहा है? यही करने की हेल्प कर रहा है कि दीज हॉर्मोन्स इंक्रीजेस अलर्टनेस, कॉमा डायलेशन ऑफ प्यूपिल. स्ट्रेस में नहीं तो ऐसे लगता है अंधेरा छा रहा है, और अगर एड्रिनेलिन आ जाए तो प्यूपिल खुल जाता है, ज्यादा लाइट अंदर जाती है. डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, कॉमा रोंगटे खड़े होना, डर के मारे, है ना, डर लग गया, भाई पीछे से कोई आ तो नहीं गया, रोंगटे खड़े हो गए. व्हाट इज रोंगटे? रोंगटे होते हैं हमारे गूज़बम्प्स. हाँ बस वही गूज़बम्प्स जो है, पाइलो इरेक्शन. हम साइंटिफिकली क्या कह देते हैं? पाइलो इरेक्शन, PILO, पाइलो इरेक्शन, ERECTION, इरेक्शन. ब्रैकेट में लिख लो रेजिंग ऑफ हेयर्स. ठंड में भी हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, कॉमा स्वेटिंग. रिजल्ट आना हो, आप सोचो नीट का रिजल्ट आना है और आपको सुबह बता दिया कि नीट का रिजल्ट आना है जी, है ना, क्या होता है? पसीने आ रहे होते, है ना. आपको टेंथ के रिजल्ट में भी ऐसा लग रहा था, कि नहीं जरा वर? हाँ जी समरीत, ऐसा हो रहा था कि नहीं? मैम इस बार तो नहीं हुआ. मेरे को भी नहीं हुआ. हाँ बट वो जो है पवनजोत आता था, वो तो कहता मैम मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, है? तो इस तरह से. चलो इस बार तो ये था ना, पेपर हुए ही नहीं. यस मैम, उसकी एडमिशन नहीं होगी ना, इसलिए वो इतना चिंता कर रहा था. हाँ मे बी यस मैम, यही बात है. तो अदरवाइज जो है, अगर एग्जाम हुए होते, चाहे बहुत अच्छे आप लोगों के होते हैं, ऑब्वियसली आई एम 100% श्योर, बट तब भी होता तो है ना, रिजल्ट की एक टेंशन तो होती है ना. यस मैम. ठीक है, यू नो व्हेन, अब तो रिजल्ट का जो है ना इतना क्रेज नहीं रहा. मैम हाँ जी बेटा बोलो. हम कह रहे थे कि दीज हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी कंडीशंस, स्वेटिंग एटसेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. द कैटेकोलामाइन्स इंक्रीजेस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन. कैटेकोलामाइन्स इंक्रीजेस हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, कॉमा इंक्रीजेस रेट ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीजेस rate of heartbeat, and also increases the rate of respiration. क्योंकि क्या हो रहा है, emergency conditions में हमारी body में बहुत ज्यादा respiration बढ़ जाता है. ठीक है, इसलिए respiration बढ़ रहा है तो oxygen की requirement बढ़ रही है, इसलिए हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, ताकि सभी सेल्स को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती रहे, ताकि ब्रेन एक्टिव रहे. ठीक है, और जब नहीं, ये सब बहुत टाइम, ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस रहे, बहुत ज्यादा कंडीशन में, एक काफी टाइम तक एड्रिनेलिन है बट कुछ टाइम बाद वो भी बंद हो जाता है, एंड देन हमारी ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है या कम मिलती है, तो हम बेहोश हो जाते हैं. राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए.
कि अब क्योंकि सेल्स में रेस्पिरेशन बढ़ रही है, उधर से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है कि सेल्स को ऑक्सीजन तो मिल रही है बट ग्लूकोज भी तो चाहिए रेस्पिरेशन के लिए. तो नेक्स्ट पॉइंट, कैटेकोलामाइन्स ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. And thus they increases concentration of glucose in blood. Next point आ जाइए. They also stimulate breakdown of lipids and proteins. तो इसलिए कुछ मूर्ख लोग, हमने पतले होना है तो एड्रीनेलिन के इंजेक्शन लगवा लो दी पतले हो जाए, बट दीज हैज मेनी साइड इफेक्ट्स. दे स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ऊपर लिखो, फंक्शंस ऑफ कॉर्टिकोइड हॉर्मोन्स. Function of corticoid hormones. First है glucocorticoid. Glucocorticoid, इसमें first important point लिख लीजिए, involved in carbohydrate metabolism. Glucose is a carbohydrate. Involved in carbohydrate metabolism. Next point है, the main glucocorticoid is cortisol, CORTISOL. The main glucocorticoid is cortisol, CORTISOL. Next point है, cortisol मतलब glucocorticoid जो है, cortisol increases glucose concentration in blood. Cortisol increases glucose concentration in blood by causing gluconeogenesis. That is, क्या मतलब है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोस बाय ब्रेकडाउन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस. Non-carbohydrate sources. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो. मैंने क्या बताया है, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ब्रैकेट क्लोज करके, बाय लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस. हां जी समरीत, लाइसिस का क्या मतलब है बेटा? मैम ब्रेकडाउन. लाइपोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, प्रोटियोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. इट इनहिबिट्स
it inhibits cellular uptake and utilization of amino acids. It inhibits cellular uptake and utilization of amino acids. ब्रैकेट में लिख लो एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन. एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन. एंटागोनिस्टिक अगेन ऑपोजिट टू इंसुलिन. अभी हम करेंगे तो पता चलेगा. ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं. Cortisol maintains the cardiovascular functions and kidney functions. Maintains the cardiovascular functions and kidney functions. Next आ जाइए. It suppresses the immune system. And thus is used as immunosuppressant. And is thus used as bahar se lete hai beta, hai na? As immunosuppressant by the patients with organ transplanted. By the patients with ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन. किसी में किडनी ट्रांसप्लांट हुई या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनको एज मेडिसिन हम कॉर्टिसोल देते हैं. नेक्स्ट है कॉर्टिसोल इनहिबिट्स मास्ट सेल्स. जो बेटा एलर्जिक रिएक्शन है वो मास्ट सेल्स के कारण होते हैं, है ना? इसलिए कॉर्टिसोल इनहिबिट्स मास्ट सेल and thus produces anti-inflammatory reaction. Inflammation ko dur karte, allergies ko dur karte, and thus produces anti-inflammatory reactions. Pehle to jab allergies ho jaye, hai na, to hum matlab antihistamine de dete hain ya hum avil type de dete hain, but allergies severe ho jaye तो फिर कॉर्टिसोल देना पड़ता है, स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं. नेक्स्ट है स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. नेक्स्ट है एज इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल. एज इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड दस प्रोवाइड्स मोर ग्लूकोज टू द सेल्स. मोर ग्लूकोज टू द सेल्स ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन. Therefore, cortisol is also called as stress hormone. So question aa jata hai, which of the corticoid hormone is stress hormone? To answer hai cortisol. Next time aa jata hai beta,
mineralocorticoids. Next is mineralocorticoids. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन. फंक्शन आपने इसका किया हुआ है, बट फिर भी मैं बताऊं, मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन. सेकेंड आ जाइए, इट रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन अवर बॉडी. It maintains the balance of water and electrolytes in our body. Next आ जाता है, आपको पता है एल्डोस्टेरोन acts at DCT of nephron. याद है आपको? Yes, ma'am. एल्डोस्टेरोन एक्ट्स एट डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन एंड कॉजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वॉटर फ्रॉम अल्ट्राफिल्ट्रेट इनटू ब्लड. रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वॉटर फ्रॉम अल्ट्राफिल्ट्रेट इनटू ब्लड. It causes more excretion. It stimulates more. Sodium or water ki to reabsorption karta hai. But it causes more excretion of potassium ions and phosphate ions. K positive and PO4 2 negative ions. Thus, aldosterone maintains volume of body fluids. Thus, aldosterone maintains volume of body fluid, comma, osmotic pressure of blood, and blood pressure. नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड. एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना टेस्टोस्टेरोन. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक मेल प्रमोटिंग एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स, ये फीमेल्स में भी होता है. थोड़ा टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी होता है. एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स आर सेक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स. मैम व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? मैं बताती हूँ, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. इसमें आ जाइए, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स या दीज आर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या है, दीज आर एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट. एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स. नेक्स्ट पॉइंट है, causes growth of axial hair. Armpits में जो hair होते हैं, comma pubic hair जो leg pits में है. And facial hair during puberty. Females में बहुत थोड़ा होता है, इसलिए facial hair नहीं आता. And facial hair during puberty. और लास्ट में हम आ जाते हैं बेटा डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स.
बेटा जो एड्रीनल मेडुला है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ नर्वस सिस्टम. तो जो नर्वस सिस्टम जो एड्रीनल मेडुला काम कर रहा है वो नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है. इसलिए अगर एड्रीनल मेडुला को रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दो हॉर्मोन्स हमारे ब्रेन से भी सिक्रीट हो रहे हैं. जबकि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है अगर ये रिमूव हो जाए ये डैमेज हो जाए तो इट इज लीथल, इट कॉजेज डेथ ऑफ द पर्सन. सो एड्रीनल कॉर्टेक्स इज द यू नो इट इज ऑल और नल मीन्स अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में इट कॉजेज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इफ एड्रीनल कॉर्टेक्स इज रिमूव. ठीक है तो यहाँ पे आ जाइए एड्रीनल कॉर्टेक्स इज असेंशियल फॉर लाइफ. एड्रीनल कॉर्टेक्स इज असेंशियल फॉर लाइफ एज इट्स रिमूवल और डिस्ट्रक्शन इज फेटल. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए एड्रीनल ग्लैंड्स या एड्रीनल कॉर्टेक्स आर कॉल्ड एज 4S ग्लैंड्स. 4S आपको पता ही है 4S कैसे लिखते थे चार 4S ग्लैंड्स एज दे मेंटेन salt concentration, sugar concentration, sex hormones level and stress conditions. As they control salt concentration, sugar concentration, sex hormones level and stress conditions. ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए डिसऑर्डर्स. रिमूवल नहीं हम कर सकते इसकी पूरी डिसऑर्डर्स तो है ही है. डिसऑर्डर्स सबसे पहले आ जाते हैं एडिसन्स डिजीज ADDISON. एडिसन ने सबसे पहले एडिसन्स डिजीज देखा था इसीलिए हॉर्मोन्स का फिर आगे स्टडी है. एडिसन्स डिजीज आगे लिखे डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल. डेफिशिएंसी ऑफ बेटा एडिसन्स डिजीज में लिखना डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन दोनों. डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल. सिम्टम्स है लो सोडियम इन ब्लड, हाई पोटेशियम इन ब्लड, लो ग्लूकोज लेवल, लो ब्लड प्रेशर, नोजिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट आ जाता है कुशिंग सिंड्रोम CUSHING. कुशिंग सिंड्रोम हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल. हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल. सिम्टम्स है हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स एक्सेट्रा. और थर्ड आ जाता है कॉन्स डिजीज CONNS. कॉन्स डिजीज
हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन. हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन. मैम व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिजीज? COMN. कॉन्स डिजीज. हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन. मोर सोडियम मोर वॉटर इन ब्लड. Increase in blood pressure. Main तो यही है. अब blood pressure increase हो जाए तो बहुत सारी problems आ गया. Right? So this is about adrenal glands. ठीक है. बाकी अब छोटी छोटी major glands हमारी हो गई है. अब heterocrine glands, then या हम कहते हैं composite glands जो है वो हमारी बची है, वो हम Saturday. Okay? ठीक है जी. ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू मैम. वेलकम बच्ची.